हेलो दोस्तों नमस्कार। आज हम आपको बताएंगे एक एकड़ जमीन का लंबाई चौड़ाई कितना होता है। ठीक दोस्तों, मैं आज पूरा डिटेल से आपको बताने वाले हैं कि एक एकड़ जमीन में कितना लंबाई चौड़ाई होता है। ठीक है दोस्तों, इससे पहले मैं आपको बता दूं, कहीं जानकारी अगर आपको इसे और अधिक चाहिए तो इसके लिए मैं आपको एक नंबर दे रहा हूँ, उस नंबर पर आप कॉन्टेक्ट करके आप जानकारी ले सकते हैं। और नंबर है 62046 63 242। अगर कोई भी प्रश्न होगा जमीन से संबंधित, 62046 63 242, कोई भी जानकारी अगर जमीन से संबंधित होगा तो आप यहाँ जानकारी ले सकते हैं। जैसे कहने का मतलब है कि बहुत लोग फोन करते हैं कि सर मेरा लंबाई इतना है, कहने का मतलब लंबाई मेरा 500 फीट है, तो मेरा चौड़ाई कितना होगा, कितना होगा हमारा एक एकड़ पुराने के लिए। तो वैसे वैसे कंडीशन में आप फोन करके जानकारी ले सकते हैं। फोन तो बहुत कम करें, सिर्फ व्हाट्सएप करें। ठीक दोस्तों, मैं इस आपके लिए इतना आपका सहयोग कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, मैं अभी बात करूंगा एक एकड़ जमीन का लंबाई चौड़ाई कितना होता है। ठीक, तो आप ध्यान दीजिएगा कि एक एकड़ जमीन, अगर मान लीजिए कि कहने का मतलब है कि यह जमीन है, ठीक, यह जमीन है, लेकिन एक बात यह भी याद रखना है, मैं वो बता रहा हूँ जो आपको समझ रहा है। ठीक है, कहने का मतलब है कि लंबाई अगर 200 फीट है, अगर यहाँ से लेकर यहाँ 200 फीट है, 200 फीट है, तो चौड़ाई आपका कितना होगा, तो चौड़ाई आपका 217.8 फीट, मतलब 217.8 फीट चौड़ाई और लंबाई 200 फीट अगर रखेगा तो आपका एक एकड़ जमीन पूरी जाएगा। लेकिन आपका हर कोण पर 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए, बचन जी बनना चाहिए, नहीं तो पता चला कि यहाँ 200 है, इधर 290 है, तो ज्यादा हो गया, या तो 190 है तो कम हो गया, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। 200 जब इधर भी है तो 200 इधर भी रहना चाहिए, और 217 इधर 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 है तो 217 इधर भी होना चाहिए, तब आपका दो मतलब कुल मिला के आपका एक एकड़ जमीन हो जाएगा। मतलब एक एकड़ जमीन है, एक एकड़ जमीन है। ठीक, इसी प्रकार से मैं अब दूसरा मैं बता रहा हूँ लंबाई चौड़ाई करके। यह जमीन है, ठीक, यह जमीन है जिसका लंबाई 300 फीट है, कितना है 300 फीट है, तो इसका चौड़ाई कितना होगा। 300 फीट अगर लंबाई है तो चौड़ाई कितना होगा कि हमारा एक एकड़ पूरा जाएगा। तो जब आपका 300 है तो चौड़ाई आपका 145.2 फीट, आपका एक एकड़ जमीन हो गया, एक एकड़ का प्लॉट हो गया। लेकिन हाँ, इसमें भी वही कंडीशन लगाना है कि हर एक कोना पर 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए। ठीक ना, अपने का मतलब 300 यहाँ है तो इधर 301 नहीं होना चाहिए, यहाँ 299 नहीं होना चाहिए, समझे इस बात करें। मतलब 300 जो इधर है तो 300 इधर भी होना चाहिए, अब 145.2 फीट इधर है तो 145.2 फीट इधर भी रहना चाहिए, तो आपका एक एकड़ जमीन हो गया। ठीक, इसी प्रकार से एक एग्जाम्पल और समझ लीजिएगा। ठीक ना, यह जमीन है जिसका लंबाई यहाँ से यहाँ की लंबाई 500 फीट है, यहाँ से यहाँ 500 फीट है, और चौड़ाई मेरा कितना होगा, तो चौड़ाई आपका 47.12 फीट, आपका एक एकड़ जमीन हो गया। तो एक एकड़ जमीन का लंबाई चौड़ाई इतना होता है। ठीक दोस्तों, इसी प्रकार से लंबाई चौड़ाई निकाला जाता है। ठीक ना, मतलब कहने का मतलब इसको गुणा करने के बाद हमारा एक एकड़ आना चाहिए। ठीक है, और ठीक है दोस्तों, मैं आपको और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि जमीन से संबंधित और सारा प्रश्न, बहुत सारा प्रश्न है। ठीक ना, तो हमको उम्मीद है कि आपको इसको समझने में कोई कहीं से कोई दिक्कत नहीं आया होगा। अगर दिक्कत भी आया होगा तो आप इस नंबर पर फोन करके आप जानकारी ले सकते हैं, 62046 63 242। इस नंबर पर नोट कर लीजिए, जमीन से संबंधित जानकारी आपको लेना है या पैसा की जानकारी हो, जैसे कि खतौनी में हमारा, देखिए एक याद पड़ गया, खतौनी में कभी भी हेक्टेयर में रहता है। ठीक ना, हेक्टेयर में रहता है तो हमको पता करना है कि वो मेरा हेक्टेयर में तो कितना डिसमिल जमीन है, कितना बिस्वा जमीन है, कितना कट्ठा जमीन है, उसको जानने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी पर करता जन नॉलेजेबल वीडियो आपको और मिलते रहेगा। तो ठीक है दोस्तों।